Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. How are you? Fine. I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss objects as complement. कि सेंटेंसेस में जो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, दे कैन बी यूज एज कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि वो वर्ब्स की मीनिंग को कंप्लीट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू ऑल. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को KK इंग्लिश ग्रामर सीरीज को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट से ज़रूर आगाह करें. क्लास, लेट गेट स्टार्टेड. ऑब्जेक्ट्स is complements. Class, we know objects, they are nouns or pronouns. लेकिन 99% ये nouns होते हैं जो जुमले में action को receive करते हैं किसी verb के. They are recipient of the verb, या even they are recipient of another direct object. तो इनको भी हम यूज करते हैं एस कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट को इससे पहले हमने क्लास में डिस्कस किया है, टू कंप्लीट द मीनिंग, टू कंप्लीट द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेंटेंस. कि और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऑटोमेटिक दे आर कॉल्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स. इसको हम बोलते हैं वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि ये वर्ब की मीनिंग्स को कंप्लीट करते हैं. क्लास, लेट गेट स्टार्टेड. एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. क्लास, ऑब्जेक्ट्स कॉम्प्लीमेंट को हमने थ्री जो मेजर इसके कैटेगरीज में तकसीम किया है. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, द सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशंस. क्लास, एज वी स्टडीड इन द अर्लियर क्लासेस, के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं दे आर गवर्न बाय ईदर अ वर्ब और प्रपोजिशन. ये गवर्न होते हैं वर्ब से या प्रपोजिशन से, तो इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. क्लियर क्लास? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल क्लास, अगर आपने जुमले में, सेंटेंस में अपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना होता है, तो एक्शन जो वर्ब है उसके बाद आप लगाए व्हाट और हुम, तो उसका जो आंसर होगा दैट विल बी द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल क्लास, सलमा रीड्स अ बुक. सलमा रीड्स अ बुक. क्लास, सेंटेंस यहां तक है, सलमा रीड्स. क्लियर? अगर सेंटेंस यहां तक होता, सलमा रीड, सलमा पढ़ती है, तो जो क्लियर कॉन्सेप्ट है, जो मुकम्मल मानी है, वो हमें पता नहीं चलता कि वो क्या पढ़ती है. सलमा रीड्स व्हाट? तो ये जो अ बुक है, सलमा रीड्स अ बुक, तो एक कॉम्प्लीमेंट है. ये हमारे पास क्या है? क्लास, कॉम्प्लीमेंट है. और ये कॉम्प्लीमेंट किस शक्ल में आए हैं? क्लास, एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये रिसिपिएंट है द वर्ब रीड्स का. सलमा रीड्स व्हाट? सलमा क्या पढ़ती है? सो द आंसर इज अ बुक. अ बुक इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंट. ये कॉम्प्लीमेंट है. और अनदर एग्जाम्पल, नईम इज writing a story. Naeem is writing a story. Clear class? Again, Naeem is writing. यहां तक हमारे sentence है. Subject verb, Naeem is writing, Naeem लिख रहा है, but we don't know what is he writing, वो क्या लिख रहा है. So a story जो एक noun है, और उसने action, writing की action को receive किया है. तो नईम इज राइटिंग व्हाट? वो क्या लिख रहा है? सो क्लास, द आंसर इज अ स्टोरी. अगेन, स्टोरी हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जो कि एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है.
क्लियर क्लास, इस किस्म के जितने सारे आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, दे कैन बी यूज एज कॉम्प्लीमेंट। क्लियर क्लास। अच्छा, इसके अलावा इसके जो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, क्लास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटेंसेस में जो लिविंग जानदार लोग होते हैं, दे आर लिविंग थिंग्स। और कुछ वर्ब्स ऐसे हैं, दे आर कॉल्ड डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स। डाई ट्रांसिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने साथ दो ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उन सेंटेंसेस में आपको मिल सकता है जिसमें पहले से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मौजूद हो। और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्वेश्चन करेंगे टू हूम, वर्ब के बाद लगाएंगे टू हूम और फॉर हूम, किसको या किसके लिए। तो उसका जो आंसर होगा दैट विल बी द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, कल्सूम लेंड्स मी 100 rupees। कल्सूम लेंड्स मी 100 rupees, कल्सूम मुझे 100 rupees उधार देती है। सो क्लास, इसमें अभी हम आप ऑब्जेक्ट को तब पॉइंट आउट कर सकते हैं जब आप उस सेंटेंस में वर्ब को पॉइंट आउट करेंगे। सो क्लास, वर्ब हमारे पास क्या है, लेंड। द फर्स्ट हम देखेंगे कि इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। सो लेंड्स व्हाट, वो क्या उधार देती है, 100 rupees, 100 rupees। अच्छा, लेंड्स टू हूम, किसको देती है, लेंड्स टू हूम, किसको। सो द आंसर इज मी। तो यहां क्लास जो मी है आपका, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां पे यूज हुआ एज अ कॉम्प्लीमेंट। कि अगर ये यहां पे मी ना होता तो ये सेंटेंस जो था ये इसकी मीनिंग क्लियर ना होती, क्योंकि पता ना चलता कि कल्सूम किसको 100 rupees देती है। क्लास, अनदर एग्जांपल, She tells her mother a secret. वो अपनी अम्मी को एक राज सुनाती है। She tells her mother a secret. क्लास, सबसे पहले हम वर्ब को फाइंड आउट करेंगे। तो वर्ब है tells. Tells what? क्या क्या बताती है। सो द आंसर इज अ सेक्रेट, कोई राज, कोई बात, कोई अहम मशवरा। एंड टेल्स टू होम, किसको, वो किसको अहम मशवरा बताती है, राज बताती है। सो हर मदर, हर मदर इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहां पे इज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है। तो क्लास, आपने देखा कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये भी आपके एज ए कॉम्प्लीमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं। द थर्ड वन हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशंस। ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि वो डायरेक्टली वर्ब से तो काम रिसीव नहीं करते, दे आर नॉट द रिसेप्शन ऑफ द वर्ब्स, लेकिन वो किसी प्रेपोजिशनल फ्रेज के जो एंड में जो नाउन होता है वही हमारा ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। क्लास, इसमें सबसे पहले आपने सेंटेंस में प्रेपोजिशन को फाइंड आउट करना होता है, इन, ऑन, टू, नियर, नेक्स्ट, ड्यूरिंग, बिसाइड, बीनीथ, ऑफ, अबाउ, ओवर, बिहाइंड, जितने भी हैं। तो उस प्रीपोजिशनल फ्रेज का जो लास्ट वर्ड होता है वो नाउन होता है, एंड दैट नाउन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। और ये भी आप जुमले में, सेंटेंस में एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, द खेत इज अंडर द टेबल,
द केट इज अंडर द टेबल. क्लास यहां तक, द केट इज, यहां तक ये आपका सेंटेंस है. यहां से अंडर जो है, अंडर द टेबल, ये आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो अंडर से शुरू होता है. टेबल इसका लास्ट जो नाउन है, ये आपका है ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन. ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन है क्लास, ये जो फ्रेज यहाँ पे यूज हुआ है एज अ कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस एक कॉम्प्लीमेंट ने सेंटेंस के ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट किया है. किस तरह कि उसने आप इस प्रीपोजिशनल फ्रेज ने, ऑब्जेक्ट और प्रेपोजिशन ने आपको खेट का जो वेयर अबाउट है वो बताया है. द कैट इज अंडर द टेबल, के जो कैट है, बिल्ली है, वो टेबल के नीचे है. सो ये कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है. क्लियर? अनदर एग्जाम्पल, द बॉल मूव्ड थ्रू द ग्रास. द बॉल मूव्ड through the grass. Clear class? The ball moved, यहाँ तक आपका सेंटेंस है कि बाल जो था, जो गेंद जो थी, वो मूव उसने कर ली, वो जो था वो स्टेडियम पे, ग्राउंड में वो स्लिप हो गया, मूव हो गया, चला गया. किस तरह? थ्रू द ग्रास. थ्रू द ग्रास यहाँ पे जो थ्रू प्रेपोजिशन है, ग्रास जो था वो घास इतने बड़े बड़े थे कि बाल उसके दरमियान से गुजरता हुआ चला गया. तो ये थ्रू यहाँ तक, यहाँ से आपका ये प्रेपोजिशन है. द ग्रास ये जो नाउन है, ये इसका ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन है, और ये पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये पूरा ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन एज अ कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है कि उसने बाल की डायरेक्शन बता दी. द बॉल मूव वेयर? थ्रू द ग्रास. तो क्लास, उम्मीद करता हूं कि आज के क्लास में आपने ये जानने की कोशिश की, और आप जान भी गए होंगे कि हम जो ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, उनको भी हम यूज कर सकते हैं एज कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज दे प्रोवाइड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मीनिंग अबाउट द वर्ब, क्योंकि वर्ब के बारे में वो हमें बताते हैं कि क्योंकि उन्होंने ये जो रेसिपिएंट है वर्ब्स के, तो ये ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस एंड दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम.